हेलो फ्रेंड्स, टॉप टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रेडमी 1S को कैसे रूट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना होगा रूट चेकर, और आपको इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई रूट का, तो आपको वेरीफाई रूट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा आएगा योर डिवाइस नोट रूट एक्सेस। मेरे पे ये रूट एक्सेस इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने रूट कर चुका हूँ, इसलिए रूट एक्सेस लिखा रहा है। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो आपके पे ये राइट का चिन्ह नहीं आएगा, रेड कलर का आएगा। अगर आपके रेड कलर का चिन्ह आता है तो आपको सिंपली बैक जाना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसे आपको डाउनलोड करना है। 2 MB का है वो। बस डाउनलोड करने के बाद आपको जाना अपने फ़ोन के अपडेटर ऐप में। अपडेटर ऐप में आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको चूज़ करना है चूज़ अपडेट पैकेज। डाउनलोड किए आपको वहाँ पे जाना है डाउनलोड दिस, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, इस पर सेलेक्ट करना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा, ऑफ होकर चालू होएगा। मेरा फ़ोन रूट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ोन रूट हुआ है। सबसे पहले आपके फ़ोन में ये वाला ऐप आ जाएगा, सुपर SU करके जिसका नाम है, ये वाला ऐप आपके फ़ोन में आ जाएगा जब आपका फ़ोन रूट हो जाएगा।